भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी स्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अब वहां स्कॉन पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आज से चार महीने पहले 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और वो वहां से भागकर भारत में रहने लगी। वही नहीं, बात सिर्फ इस्कॉन मंदिर पर हमला करने की नहीं है, वहां मौजूद अन्य मंदिरों को कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त 40,000 मंदिर हैं। हसीना सरकार के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने इस्कॉन को निशाना बनाया है। इसके खिलाफ #banscon और #conterrorist जैसे ऑनलाइन अभियान चलाए जा रहे हैं और इसे देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक स्थिरता के लिए खतरा बताया जा रहा है। इससे पहले हसीना के जाने के तुरंत बाद खुलना डिवीजन के मेहरपुर में एक स्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है और उसमें आग लगा दी गई। बांग्लादेश में नई यूनुस सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को खुश करने और स्कॉन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत ए इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद स्कॉन के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने स्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए इसके समर्थकों के खिलाफ हिंसक नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर #banscon और #scon terrorist जैसे # ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा स्कॉन पर हिंसा भड़काने और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े होने का आरोप लगाया जा रहा है। अवामी लीग का विरोध करने वाले इस्लामी समूहों ने स्कॉन को अवामी लीग का समर्थक बताकर निशाना बनाया। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और स्कॉन के सदस्यों ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ रैलियां आयोजित की। साथ ही स्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से हिंदू समुदाय में असुरक्षा बढ़ेगी और उनकी पहचान पर खतरा गहराएगा। बांग्लादेश में स्कॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है। बांग्लादेश में स्कॉन के मंदिर ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारीसाल, चटोग्राम और सिलहट में मौजूद है। यहाँ मंदिर को मानने और पूजने वालों की संख्या काफी है, इसकी संपत्ति भी काफी ज्यादा है। ये आए दिन बांग्लादेश में गरीबों की मदद करता है। बीते महीने बांग्लादेश में आई बाढ़ में भी स्कॉन मंदिर के लोगों ने काफी मदद की थी। फिलहाल के लिए बांग्लादेश में हो रहे स्कॉन टेंपल का विरोध जो चल रहा है उसको लेकर ये बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी बड़े अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।